ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार की प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उप महानिदेशक अमित निर्मल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक ऐसा सर्वेक्षण है जो 2017 से लगातार संचालित किया जाता है हर साल, और ये सर्वेक्षण हमें बहुत सारे भारत में बेरोजगारी से संबंधित और जो हमारा श्रम बल यानी वर्क फोर्स है उसकी हिस्सेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है। इस सर्वे से हमें ये भी मालूम होता है कि किस तरह से देश में अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो श्रम बल है उसकी भागीदारी बढ़ रही है या घट रही है, और बेरोजगारी की दर की क्या स्थिति है। हाल ही में प्रस्तुत हुए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पर चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारे साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए श्रम व रोजगार मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित निर्मल जी कार्यक्रम में शामिल हैं। अमित निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भारत में रोजगार से जुड़े आंकड़ों को लेकर और जो वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन है उसको मापने के लिहाज से किस तरह से महत्वपूर्ण है। ये सर्वे जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं कि पहले ये सर्वे शुरू हुआ 2017-18 में जी। उससे पहले हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक क्विंक्विनियल सर्वे करता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो 5 साल में एक बार किया जाता था। तो वो सर्वे भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे ही डेटा लेता था, लेकिन उस सर्वे की मेथोडोलॉजी कुछ अलग थी, और वो सर्वे चूंकि 5 साल बाद होता था और 5 साल बाद हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कंट्री में पता चलती थी, तो उस सर्वे के कारण हमें बहुत ही फ्रीक्वेंट डेटा या टाइमली डेटा नहीं मिल पाता था। क्विंक्विनियल सर्वे 2011-12 में लास्ट हुआ, उसके बाद उसको नहीं किया गया, और ये निर्णय लिया गया कि हमारे देश में जो जितनी डायनेमिक परिस्थिति है, जो लगातार चेंज होती रहती है, उसके लिए एक बहुत ही टाइमली और जो हमें ऐसा सर्वे हर साल डेटा देता रहे ऐसा सर्वे चाहिए। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने 2017-18 में ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शुरू किया। क्योंकि इस सर्वे की कवरेज ऑल इंडिया लेवल पे है और बहुत ही अच्छा साइंटिफिकली डिजाइंड और पैनल सर्वे है, मतलब कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको कि सेलेक्ट किया जाता है, उसमें रिविजिट करके देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है। सर्वे मैं तो कहूंगा कि इससे अच्छा डेटा आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, ये सबसे अच्छा डेटा है। हाल ही का हमारा सर्वे है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ नतीजे इसमें अहम निकल कर आए। हाँ बिल्कुल जरूर। एक्चुअली ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसके तीन मुख्य जो इंडिकेटर कहूंगा या तीन मुख्य जो डेटा आते हैं, वो एक है श्रम बल को लेकर। तो हम सबसे पहले हमारे पूरी कंट्री में देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि श्रम बल है, जिसका मतलब या तो वो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो एक इंडिकेटर इस सर्वे से आता है लेबर फोर्स का। दूसरा सर्वे से इंडिकेटर आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अगर मैं सही मायने में कहूं तो रोजगार कितना है, ये डेटा आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से। और तीसरा कि जैसे हम सभी जानते हैं बेरोजगारी दर जो निकल के आती है, वो तीसरा इंडिकेटर है। और आपने जैसे बताया कि अभी हमें ये सर्वे रिपोर्ट निकली है लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की, 23-24 का मतलब है कि जून 24 तक, क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए कि जो सर्वे का पीरियड है वो जुलाई से जून है, तो ये हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। अभी हम सेप्टेम्बर में हैं और हमारे पास जून 24 तक का डेटा आ गया है, और ये डेटा हमें दर्शाता है कि जो हमारी श्रम बल की है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये 2017-18 में 49.8% थी, जो बढ़कर 60% हो गई है, मतलब 10% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब अगर आप आम जनता के लिए देखें तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं, जो कि लोग काम कर भी रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं, मतलब उनको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं वो। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट 2017-18 के कंपैरिजन में 2023-24 में देखें तो 11.4% से बढ़ा है, 17-18 में 46.8% था, वो 23-24 में बढ़कर 58.2% हो गया है। इसका मतलब आप देखिए कि जहां लेबर फोर्स 10% बढ़ा,
वहीं इम्प्लॉयमेंट 11.4% बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं उनसे ज्यादा लोगों को इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिल रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारी कंट्री की वो कम होती जा रही है। 17-18 में जो 6% पे थी वो 23-24 में 3.2% हो गई है। हालांकि 22-23 में भी 3.2% थी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल लहजे में कहूं तो जितने लोग लेबर फोर्स में जुड़े पिछले साल उतने ही लोगों को नौकरी भी मिल गई। बिल्कुल, आपने रोजगार की बात की तो निश्चित रूप से जब रोजगार बढ़ते हैं तो बेरोजगारी की दर कम होती है। ऐसे में इस बार के जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2016-17 से लेकर 2024 तक बेरोजगारी घटी है। इसे हम कैसे देख सकते हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो स्थिति है उसके संदर्भ में इसको ऐसे देखा जाए कि जो सरकारी योजनाएं हैं या जो रोजगार के तमाम अवसर हैं उनके नतीजे के चलते ऐसे आंकड़े सामने आए हैं? ये एक सेट पैटर्न होता है कि रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अर्बन एरिया के बनिस्बत थोड़ा कम होता है। रीजन भी है कि रूरल एरिया के अंदर लोग काफी काम करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में होते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत से लोग होते हैं। जो फीमेल्स भी हैं रूरल एरिया में वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हाथ बटाती हैं, एग्रीकल्चर में हाथ बटाती हैं। साथ ही साथ सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो भी रूरल एरिया में काफी केंद्रित हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम एमजी नरेगा का ही देखते हैं कि जो लोगों को हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोग्राम है। तो इन सभी योजनाओं के कारण और रूरल एरिया के जो लोगों का काम के प्रति जो सम्मान है उसके कारण रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में क्योंकि डेटा को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस लिहाज से शायद हो सकती है क्योंकि वहां पर पलायन की दृष्टि से भी गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और शहरों में जो वर्कफोर्स है वो अलग अलग तबकों में बटी हुई है। शहरों का डेटा आया है उसको कैसे देखते हैं? क्या वो संकेत देता है और किस तरह से इस सर्वेक्षण के तहत ये डेटा शहरों से भी इकट्ठा किया जाता है? देखिए, डेटा तो शहरों से भी और रूरल एरिया दोनों ही जगह से इकट्ठा किया जाता है। शहरों के अंदर जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, रूरल एरिया में कितना और अर्बन एरिया में कितना, उस प्रकार से सैंपल साइज भी डिसाइड की जाती है कि रूरल में कितना सैंपल लिया जाएगा, अर्बन में कितना सैंपल लिया जाएगा। लेकिन अर्बन एरिया में दूसरा पहलू आता है, वो ये है कि अर्बन एरिया में बच्चे काफी पढ़े लिखे भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हैं, इनकी नौकरी की एक चॉइस भी होती है। इसको कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स में इसको एक टर्म भी दिया जाता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो थोड़ी देर इंतजार करता है कि मुझे पसंद की नौकरी मिले, मुझे अपने घर के पास मिले या मुझे इतनी सैलरी की नौकरी मिले या मुझे इस तरीके का काम मिले। और खासकर बच्चे काफी तैयारी भी करते हैं एग्जाम की, तो इसके कारण जो है अर्बन एरिया में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरिया के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही केस में, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया के केस में भी, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार कम होता जा रहा है। अभी सर्वे के रिजल्ट आए हैं उसमें अर्बन एरिया में 7.7 से घटकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% रह गई। बिल्कुल, अगर हम दूसरे तरह से इस मुद्दे को आगे देखें तो जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो श्रम बल है उसकी भागीदारी दर में जो वृद्धि हुई है वो हमारे देश में जो सरकार के द्वारा संचालित स्वरोजगार या रोजगार के अवसर हैं शायद उस पर एक असर हो सकता है। तो इसको कैसे देखा जाए कि जो सरकार ने तमाम योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों ने संचालित की हैं, क्या जो श्रम बल है वो इस चीज को प्रभावित कर रहा है? भारत सरकार की चली हुई है बहुत सारी योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एमजी नरेगा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं ये भी लोगों को कनेक्ट करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से। अब मैं अगर केवल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करूं तो इसने ही 2 साल में करीबन 60 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दिया है। इसी तरीके से अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखें तो इस योजना के दौरान ऑल इंडिया लेवल पर 29 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। इसी तरीके से स्ट्रीट वेंडर स्कीम के अंदर भी करीबन 90 लाख लाभार्थी रहे हैं। तो दोनों ही तरफ अर्बन एरिया में भी रूरल एरिया में भी काफी स्कीम्स हैं और ये स्कीम्स न केवल पढ़े लिखों के लिए, जैसे आप देखिए स्ट्रीट वेंडर के लिए भी अच्छी स्कीम भारत सरकार की चलाई हुई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम।
तो ये सभी लोगों को बेनिफिट देते हुए और रोजगार को प्रोत्साहित करते हुए ये स्कीम बनाई गई है। अगर हम महिलाओं के संबल की बात करें तो बीते 7 वर्षों में जब से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है अब तक के हमारे पास सबसे ऊंचे आंकड़े हैं कि महिलाओं का संबल बढ़ता हुआ नजर आया है, तो इसके पीछे आप कौन से प्रमुख कारण मानते हैं? क्या जो सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं या जो नीतिगत प्रयास हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं या कोई और कारण आपको नजर आते हैं, और इस पूरे बढ़ते हुए आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है ये बहुत ही अच्छी चीज है, और आप देखिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है 10.3% जो 17-18 से 23-24 तक बढ़ा है, इसमें केवल महिलाओं की भागीदारी 18% बढ़ी है। और इसी तरीके से अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जैसे इम्प्लॉयमेंट देखें तो इम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल ग्रोथ 11% है, और खाली फीमेल की ही ग्रोथ देखी जाए तो 18% फीमेल की ग्रोथ हुई है। इसके अंदर बहुत सारी स्कीमें भारत सरकार की चली हैं, बहुत सारे नए कानून भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि आप तो देखिए मैटरनिटी एक्ट में भी कुछ तब्दीलियां की गई, लेबर कोड में भी बदलाव किए गए हैं, लेबर कोड में प्रोविजंस लाए गए, तो इस तरीके की कई ऐसे बेनिफिट जो महिलाओं के स्पेसिफिक थे। और अभी आप एक और चीज देखिए कि बहुत सारी कंपनियां भी इस तरीके से आगे आ रही हैं जो केवल महिलाओं को ही रोजगार दे रही हैं अपने फैक्ट्रीज में अपने कंपनीज में, तो इन सब के कारण महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी बढ़ी है, सबसे ज्यादा महिलाओं की ही बढ़ी है। एक और अहम सवाल, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये आने वाले समय में कैसे भविष्य में जो नीतियां बनती हैं योजनाएं बनती हैं, और अब क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो इस बार का हमारा बजट से पूर्व आया था उसमें भी ये आंकड़ा था कि हर साल हमें 78 लाख नौकरियों की जरूरत है, तो इस तरह से जो नीतियां बनाई जा सकें और भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा हम कर सकें, इसके लिए कैसे एक पूरा खाका देने में हमारा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे काम आएगा? देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट एक इंडिकेटर्स पे रिजल्ट्स देती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि ये डेटा इतना ज्यादा है और इतना बड़ा है कि हर चीज पे रिपोर्ट में टेबल्स देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसके डेटा को निकाल के देखा जाए तो ये एक तरह से पूरा एक समंदर है जिसके अंदर से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और कई तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाली जाती है। अब इसके अंदर ये भी पता चल जाता है कि आपका किस सेक्टर में इम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किस एज ग्रुप में बढ़ रहा है, किस स्किल में बढ़ रहा है, किस ऑक्यूपेशन में बढ़ रहा है, किस तरीके से किस ऑक्यूपेशन में हमें ज्यादा डिमांड है, किस में सप्लाई ज्यादा है, तो इन सबको देखते हुए इसका एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बताऊं कि अभी PLFS के डेटा को यूज करके श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स भी डेवलप किया है। ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स स्टेट लेवल पे हमें ये बताता है कि किस ऑक्यूपेशन में सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है, तो उसके बेस पे बच्चे ये तय कर सकते हैं कि मुझे किस स्किल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे किस स्टेट में देखना चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरी स्किल है, उसकी डिमांड किस स्टेट में ज्यादा है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर को भी ये पता चल जाता है कि कौन सी स्किल है जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ये पता चल जाता है कि उनको किस स्किल में ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको किस फील्ड में ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें इस डेटा से पता चलती है और वो पॉलिसी लेवल पे बहुत ही हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट को, और करती भी है। गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज इन्हीं डेटा को एविडेंस के तौर पे लेके बनाती है। ये बहुत रोचक बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि न सिर्फ सरकार के नीति निर्माण में इस सर्वेक्षण की अहमियत है बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर और एम्प्लॉयर को भी इस सर्वेक्षण से बहुत ज्यादा लाभ है, और आने वाले समय में क्योंकि हमारे सामने इस सर्वेक्षण के हवाले से बहुत से आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं तो इसके हम कुछ सकारात्मक और अच्छे नतीजे रोजगार सृजन के मामले में आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित निर्मल जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उप महानिदेशक अमित निर्मल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।